हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है, शाम के 6 बज रहे हैं और मैं बस रेडी होने लगी हूँ दावत बजाने के लिए। और आज है ईद का थर्ड डे। सेकेंड डे का मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था और थर्ड डे है आज। बस अभी सुबह की मैंने कोई भी रूटीन जो है कोई यानी कि कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी से जो है मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगी और आज का इंशाल्लाह दावत व्लॉग आपके साथ जो है शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो है ना, मैं कर लेती हूँ मेकअप, क्योंकि मेकअप तो बहुत ज़रूरी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखती हूँ बालों का क्या करना है, बाल खुले छोड़ती हूँ या बांधती हूँ, वो बाद में डिसाइड होगा मेकअप के बाद। तो बस मेकअप भी ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी, लाइट लाइट से करूँगी, तो बस टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से रेडी होते हैं। और जी लास्ट टाइम मैंने छोटी ईद पे जो है इतना हैवी मेकअप किया था और आज भी मैं कुछ इसी तरह से ही करूँगी। ड्रेस कलर जो है मेरा रॉयल ब्लू था और सोचा मैंने शेड भी कुछ इस तरह से ही लगाती हूँ। जो ड्रेस के अंदर मेरे शेड हैं वही आइज़ के ऊपर यूज़ करूँगी। तो पहले मैंने अपनी स्किन के ऊपर जो है क्रीम लगाई थी, और यानी कि ऑयली क्रीम लगाई थी क्योंकि स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रही थी। उसके बाद मैंने उसके ऊपर बीबी लगाई थी और उसके बाद मैंने हल्की सी जो है टीवी स्टिक जो है वो यूज़ की थी। और जी बस यहाँ पे आई मेकअप मेरा हो चुका है और लाइनर अभी मैंने सोचा नहीं है लगाऊं कि ना लगाऊं, क्योंकि मैं किसी भी अच्छे ब्रांड का लाइनर यूज़ कर लूँ मेरी आंखों में इचिंग स्टार्ट हो जाती है और इवन के नेक्स्ट डे जो है उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है जहाँ जहाँ मैंने लाइनर लगाया होता है। तो अभी बस मैं अपने फेस की कंटूरिंग करने लगी हूँ और काफ़ी टाइम बाद जो है कंटूरिंग करूँगी और काफ़ी डार्क जो है ना कलर से मैं करूँगी। तो खैर अभी बेस लगाऊंगी इसके ऊपर, अभी फ़ाइनल टच जो है मैंने नहीं दिया। कुछ फेस पाउडर यूज़ करूँगी क्योंकि गर्मियों में जो है फेस पाउडर अगर आप यूज़ कर लेते हो फिर ये है कि फेस के ऊपर जो है ना स्वेटिंग नहीं होती। और अभी जो है कंटूरिंग जो मैंने की है अपनी जो लाइन जो है वहाँ पर भी की है और नोज़ पर भी की है। तो अभी ब्लश ऑन लगा कर जो है इसको थोड़ा सेट कर लूँगी और उसके बाद जो है अपनी बेस को भी सेट कर लूँगी। लिपस्टिक आज मैंने सोचा है कि पीच कलर की लगाती हूँ, रेड कलर की नहीं लगाऊंगी, जबकि मुझे रेड लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है और उनकी वजह से मुझे अच्छी लगने लग गई है। तो बस मेकअप जो है यहाँ पे फाइनल हो गया है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम हो गया था और 7:30 बजे तक जो है हमें एनी हाउ वहाँ पहुँचना था। मैं जा रही हूँ बहन की तरफ, मैंने स्टार्ट में भी बताया था। तो काफ़ी टाइम से जो है वो दावत उसने हमारी रखनी थी लेकिन गर्मी की वजह से हम आगे 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 कर रहे थे और उसने दावत एक तो ईद की हो गई और दूसरा स्पेशल दावत थी। स्पेशल दावत क्या थी वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जाकर मैं आपको वो भी बताती हूँ कि वो इतनी ख़ास स्पेशल दावत क्या थी। यहाँ पर जी बस मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ और पहले मैं पेंसिल के साथ जो है आउटलाइन लगा लूँगी और बेस भी उसी के साथ बना लूँगी और उसके ऊपर जो है फिर ब्रश के साथ जो है लिपस्टिक लगाऊँगी उसी कलर की। और जी बस अभी हम जा रहे हैं हनी की तरफ और हनी की तरफ जो है जाने के लिए हम रिंग रोड का रास्ता ही यूज़ करते हैं क्योंकि रिंग रोड मेरे घर से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स की ड्राइव पे है। तो यहाँ से जो है हम जल्दी चले जाते हैं और टाइम भी नहीं लगता, रास्ता बिल्कुल क्लियर होता है
और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम हनी की तरफ दावत पे क्यों जा रहे हैं। ईद की दावत तो बनती ही बनती है, लेकिन स्पेशल दावत क्या है। और हनी अपने चैनल पे व्लॉग्स क्यों नहीं लगा रही थी, उसकी वजह क्या है। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह से हनी ने जो है अपना न्यू घर जो है उनका बना है, और हनी वहाँ पे मसरूफ़ थी। उस घर की एक एक चीज़ जो है उसने अपने हाथों से सजाई है, बनाई है, और इसलिए वो भी कोई भी चीज़ ऐसे शो नहीं करवाना चाहती थी। दूसरा बाज़ारों में यूँ मोबाइल ऑन करके व्लॉग बनाना करना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो ज़रा थोड़ी सी हटकर है, उसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। बस व्लॉगिंग में भी मेरे फ़ोर्स करने पे, ज़ेम के फ़ोर्स करने पे आ गई, लेकिन अब ये है कि बच्चों के भी माशाल्लाह से एडमिशन हो गया स्कूल में, और कुछ घर की जो है सेटिंग में, फर्नीचर में, क्योंकि फर्नीचर उसने खुद बनवाया है, और उसमें जो है ना उसके बाज़ारों के चक्कर, आना जाना, मसरूफियात, ये सब में वो लगी हुई थी। तो जब इतनी मसरूफियात हो, साथ में बच्चे हों, तो उसमें व्लॉगिंग करना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो नहीं आ रही थी। तो माशाल्लाह से घर जो है उनका कंप्लीट हो गया है, और फर्नीचर भी जो है उसके अंदर लग चुका है। कई दफ़ा मैं हनी के घर गई हूँ, बल्कि आप समझ लें कि हर 2 से 3 दिन बाद जो है मैं हनी के घर चली जाती हूँ। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप दोनों बहनें नाराज़ हैं, वो आपके घर नहीं आती हैं, आप उनके घर नहीं जाती। मैं उसके घर जाती थी और 1-1.5 घंटे के लिए भी चली जाती थी, लेकिन मैं कोई भी उसके अंदर वीडियो नहीं बनाती थी। उसकी रीज़न ये थी कि मैं चाहती थी कि पहले उसका घर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊँ, शो करवाऊँ। और जो यहाँ पे मोहसिन अपने टिकटॉक बना रहा था, जबकि मोहसिन बिल्कुल भी टिकटॉक और इस तरह के काम नहीं करता। वो कभी कभी कोई अपनी पिक्चर वीडियो हो उसके ऊपर कोई सॉन्ग लगा लेगा, लेकिन टिकटॉक इस तरह से वो नहीं बनाता। तो मुझे यही कह रहा था कि मेरा ये क्लिप वीडियो में ना लेना, इससे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा नहीं, वीडियो अच्छी लग रही है, क्लिप अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ये एनी हाउ लगाऊंगी ही लगाऊंगी। चुपके से कहीं धीमे पाँव से जाने किस तरह किस घड़ी आगे बढ़ गए हमसे राह में, पर तुम तो अभी थे यहीं। कुछ भी ना सुना का था गिला, कैसे कह दिया अलविदा अलविदा अलविदा, मेरी राहें अलविदा, मेरी सांसें कहती हैं अलविदा अलविदा अलविदा। अब कहना और क्या जब तूने कह दिया अलविदा। और जी टेबल पे खाना लग गया हुआ था, बस इनको बुलाने के लिए मैं आई थी कि आओ खाना लग गया है, लेकिन इनके साथ जो है फिर पिक्चर्स और वीडियोस जो है बनाने लग गई। और हनी भी फिर आई थी मुझे लेने के लिए, फिर हनी भी यहाँ रुक गई और वहाँ पे जो है खाना लगा हुआ था। तो बस यही कुछ यादें होती हैं जो कि कुछ टाइम के बाद हम जब देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग्स होती हैं अपनी पिक्चर्स वीडियोस को देखना। तो बस यहाँ पे जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको हनी का जो फुल घर है उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी फिल वक्त जो हनी है वो बिल्कुल भी यूट्यूब पे अभी नहीं आना चाहती, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है और अभी भी बहुत छोटे छोटे काम जो हैं रहते हैं। खाने में जो है मटन कोरमा था, मटन पुलाव था, KFC था, सैलड था, सैंडविचेस थे, शामी कबाब थे, साथ में कीमे वाले जो है कबाब थे, यानी कि कबाब वाला जो मसाले होते हैं वो थे। और माशाल्लाह से खाना जो है बहुत टेस्टी था, और माशाल्लाह माशाल्लाह हनी का घर भी जो है बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक रहना नसीब करे, इस घर में ढेरों ढेरों खुशियाँ दिखाए, और जिसके पास अपना घर नहीं है अल्लाह पाक उन सबको अपना घर दे, आमीन सुमा आमीन। और इशा की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो बस अभी सब जेंट्स जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जो है लेडीज़ नमाज़ पढ़ेंगी। और केक जब घर में आए, और मलिहा जो है केक कट ना करे, तो मलिहा की बर्थडे भी बस इसी वजह से सेलिब्रेट नहीं की थी कि बस इसकी शिफ्टिंग चल रही थी, और उसकी वजह से जो है वो भी बस डिले 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 होता गया। तो हमने सोचा कि जी आज केक तो आए हुए हैं, तो क्यों ना मलिहा का केक भी जो है कट कर लेते हैं। आप जाओ बाहर जाओ छोटू, सही मेरा ठीक आ रहा है लेकर
प्लेयर शेयर करने की ऑप्शन ही नहीं आ रही। बताओ मेरा ये एंगल ठीक आ रहा है? एंगल अच्छा आ रहा है आपका। आई मेकअप बहुत अच्छा आ रहा है ये देखें आई मेकअप। और नीचे तो मैं कहता हूँ ब्लैक ब्लैक आपके शुरू से ही होने भी चाहिए, अच्छे लगते हैं कंट्रास्ट में। आपके पीछे आपकी अम्मी भी हंस रही हैं। ओह माय गॉड, मैं सफेद चिट्टा चोला पा देता। हाँ जी माँ, और जी बस अभी केक कट करने लगे हैं और बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, मलिहा और मोहम्मद। और साथ में जो बच्ची है ये हनी की क्वार्टर में जो लड़की है ये उसकी बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। तो बस ये मलिहा और मोहम्मद के साथ साथ ही होती है और जिस तरह हनी मलिहा मोहम्मद की केयर करती है इसी तरह से इस बच्ची की भी करती है। बच्चे हैं, बच्चों से फ़र्क नहीं रखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं बच्चों में जो मुलाजिम के बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा फ़र्क रखते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दूसरों के बच्चों के साथ जो है लोग बहुत बुरा सलूक करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हाना चंग, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थ। किसकी बर्थडे है? मोहम्मद आपकी है? मम्मा जी। यहाँ पे दानियाल की भरपूर कोशिशों के बाद जईम ने कहा कि लाओ दो मैं ट्राई करता हूँ, ये जो पार्टी पॉपर है ना ये कभी भी मौके पे नहीं फटता। और बहुत ज़्यादा जो है ट्राई कर रहे थे और अक्सर जो है ना ये ख़राब ही निकलते हैं। तो मैं इनको यही कह रही थी कि बस कर दो, छोड़ दो, किसी के फेस पे ना लग जाए, अंदर से पता नहीं क्या निकल आए। तो डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो खैर वो तो नहीं फटा। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग केक कट करेंगे। माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और काफ़ी ज़्यादा लोग थे जिनको मैं कैमरे में नहीं ले सकी क्योंकि सबकी प्राइवेसी का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। हनी के ससुराल वाले भी आए हुए थे। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह केक भी कट कर लिया है बच्चों का। और यहाँ पे जी अब हम सब हनी के रूम में बैठे हुए थे और बस मम्मा पापा जो है निकलने की तैयारी कर रहे थे। और आदम दानियाल को मैंने अपने साथ रोक लिया था कि हम तुम लोगों को जो है ऐसे ड्रॉप कर देंगे। तो बस मम्मा पापा मोहसिन के साथ अभी बस जाने ही वाले हैं। और यहाँ पे मोहम्मद और मोहसिन जो है किस करने की कोशिश कर रहा है मोहम्मद मोहसिन को। तो मोहसिन जो है ना इसी तरह से बहुत ज़्यादा तंग करता है मोहम्मद को। तो खैर आज का व्लॉग जो है आप सबको कैसा लगा आप सबने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो बस जईम यहाँ पे मम्मा को कह रहे थे कि अच्छा आप जा रही हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो बस मम्मा और जईम का जाना इस तरह से चलता रहता है हंसी मजाक।
और जी फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग जो है यहीं पे होता है दी एंड। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।